जबलपुर की कोतवाली पुलिस ने कोतवाली थाना और लाडगंज थाने इलाके में हुई तीन लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पांच आरोपियों में से एक नाबालिग है। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में रीना जैन नाम की महिला अपने रिश्तेदार के यहां जा रही थी, तब रास्ते में मकर बाहिनी मंदिर के पास तीनों युवकों ने रेखा जैन के गले से चैन लूट ली थी। वारदात के बाद से ही पुलिस को आरोपियों की तलाश थी। पुलिस ने आरोपियों की पताशाजी करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की जा सकी, जिसमें मोटरसाइकिल में बैठे तीन युवकों में से पीछे बैठे युवक की तस्वीर साफ थी, जहां सभी थानों में युवकों की तस्वीरों को भेजा गया। पास एक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके तत्काल सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे। सीसीटीवी फुटेज में हमको एक महत्वपूर्ण फुटेज मिला था, जिसकी पतारसी हेतु सबको निर्देशित किया गया था। और फाइनली जब वो लड़के जो थे वो ट्रेस हुए, तो उनसे जब उनसे पूछताछ की गई, फिर उन्होंने तीन घटनाएं कबूला है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमारी पुरानी घटनाएं जो है, एक 2019 की और 2020 की चेन स्नैचिंग और जो है वो ट्रेस हो गई है। कुल मिलाकर के चार आरोपी और एक अपचारी बालक, टोटल पांच इसमें लोग हैं जिन्होंने ये तीन जो कारित की हैं। और इनसे तीनों घटनाओं में जो चेन स्नैचिंग जो इन्होंने ले गए थे, जो चेन ले गए थे, वो सब बरामद हो गई हैं। और इसमें जो वाहन जो प्रयुक्त करते थे घटना के लिए, वो चोरी का निकला, थाना घुघरी मंडला से इन्होंने चुराया था। तो इस अच्छी कार्रवाई के लिए पुलिस टीम बधाई की पात्र है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।